दिवाली तो खुशियों का पर्व है, सुख शांति का पर्व है। पटाखों की कानफोड़ू आवाज और प्रदूषण से त्योहार की खुमारी को बर्बाद ना करें। आइए जानते हैं पटाखों से होने वाले नुकसान के बारे में। पटाखों से सबसे ज़्यादा नुकसान उन बुजुर्गों को होता है जो एक तरफ बुढ़ापे की मार झेल रहे होते हैं और दूसरी तरफ तमाम बीमारियों से घिरे होते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए तो पटाखे किसी विनाशकारी हथियार से कम नहीं है। पटाखों से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी हानिकारक गैसें हवा में घुल जाती है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होती है। पटाखों की धुंद यानी स्मोग से सांस फूलने, घबराहट, खांसी, हृदय और फेफड़े संबंधी दिक्कतें, आँखों में संक्रमण, दमा का अटैक, गले में संक्रमण आदि के खतरे होते हैं। कई जानकारों के अनुसार दीपावली के दौरान आतिशबाजी के कारण दिल का दौरा, रक्तचाप, नाक की एलर्जी, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे बढ़ जाते हैं। इसलिए दमा और दिल के मरीजों को दीपावली के मौके पर खास तौर पर सावधानियां बरतनी चाहिए। पटाखों से जलने, आँखों की क्षति पहुँचने और कान का पर्दा फटने तक की नौबत आ जा सकती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार दिल्ली में पटाखों के कारण दीपावली के बाद वायु प्रदूषण 6 से 10 गुना और आवाज़ का स्तर 15 डेसिबल तक बढ़ जाता है। तेज आवाज़ वाले पटाखों का सबसे ज़्यादा असर बच्चों, गर्भवती महिलाओं, दिल और सांस के मरीजों पर पड़ता है। जानकारों के अनुसार पटाखों में कम से कम 21 तरह के रसायन मिलाए जाते हैं। वहीं कई वैज्ञानिकों का कहना है 1 लाख कारों के धुएं के जितना नुकसान पर्यावरण को होता है उतना नुकसान 20 मिनट की आतिशबाजी से हो जाता है। आम दिनों में शोर का मानक स्तर दिन में 55 व रात में 45 डेसिबल का लगभग होता है, लेकिन दीपावली आते आते ये 70 से 90 डेसिबल तक पहुंच जाता है। इतना अधिक शोर हमें बहरा ना कर दे, इसलिए पटाखों से हमें बचना चाहिए और जितना हो सके ग्रीन पटाखे का इस्तेमाल करना चाहिए। हर बार दीपावली पर कई लोग पटाखों से जल जाते हैं और कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अनार, रॉकेट, रस्सी बम जैसे धमाकेदार पटाखों के शौकीन के साथ इन हादसों की ज़्यादा संभावनाएं होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं और इसी तरह के जानकारी भरे वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।